ये देखिए, आपको जब भी यहाँ की जो सिलाई है, ये स्पेशल मैं चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, इनको ध्यान से देखना है आपको। ये यहाँ पर आप शोल्डर देख लीजिए, शोल्डर को यहाँ मैंने आगे वाली कुर्ती पे आधा इंच कम काटते हैं, मतलब थोड़ा आधा इंच अंदर से काटते हैं, जिससे कि इस जगह फिटिंग सही आती है, ठीक है ना। अब आपको करना क्या है कि आपने अपनी 32 की कमर, 32 चेस्ट के हिसाब से हमने कुर्ती बनानी है, लेकिन हम ये एक्स्ट्रा काटते हैं। तो आप क्या करेंगे, जो बीच की सेंटर वाली लाइन है वहाँ से ही हम आपको देखेंगे कि जैसे आपने 36 की कुर्ती काटी है और 32 बनाना है, तो 9 9 4 36 होता है, तो हम 9 2 18 आगे की कुर्ती, जो कुर्ती पे यहाँ पे 18 आना चाहिए। ये देखिए यहाँ पर, यहाँ दोनों तरफ देख लीजिए, 18 इधर आ रहा है और यहाँ सेंटर पे 9 रखा है। और ये इस तरीके से एक तो नाप लगा लीजिए, और फिर नाप लगाने के बाद वहाँ से शुरू कीजिएगा और यहाँ पे इस तरीके से निशान लगाइए। यहाँ पे किस तरह निशान लगाते वो भी देख लीजिए। आप अपनी दूसरी कुर्ती से देख लीजिए कि आपकी कुर्ती किस जगह स्टिच है, 18 इंच पे है, 17 पे, जो आपको ज़्यादा अच्छी लगती हो उसका नाप देख लीजिए। उसमें जो 18 इंच पे है तो आप 18 पे निशान लगा लीजिए और फिर वहाँ से इस तरीके से निशान लगा लीजिए। ये आपका जो एग्जैक्ट आपकी चेस्ट है वो निशान लगाएंगे आप, दोनों तरफ लगा लीजिए। और फिर यहाँ से सबसे पहले ये सिलाई करते हैं, फिर यहाँ पे इस तरीके से ये जो जोड़ होता है इस पर कैसे सिलाई करेंगे, ये भी मैं सिलाई करते समय आपको दिखा दे रही हूँ। मैं पूरी सिलाई नहीं दिखाती हूँ, लेकिन जो मेन चीज़ है वो दिखा दे रही हूँ आपको। देखिए ये आपको दिख रही है, ये मैंने यहाँ पे सिलाई की। सिलाई करने के बाद इस पट्टी को इस तरीके से फोल्ड कर लिया और इस तरीके से फोल्ड कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे इस तरीके से सिलाई मार दूंगी, जहाँ जॉइंट है उसी जगह सिलाई मारूंगी। और फिर सिलाई करने के बाद नीचे तक यहाँ पे आप इस तरीके से पूरी सिलाई नीचे तक करते जाएंगे। ये पूरा नीचे तक सिल लेंगे, ऐसे ही दूसरी तरफ भी सिलाई करेंगे। आपको मैं एक बार फिर से कंफर्म कर दूंगी। यहाँ पर ये ऐसे सिलाई कर दे, उसको मैंने ऐसे मोड़ लिया। अब मैं यहाँ पे सिलाई करूँगी। देखिए
ये यहाँ पे इस तरह सिलाई की और फिर ये इस तरह, तो आपका ये चीज थ्रेड हटा देना। देखिए इस तरीके से यहाँ पे बन जाएगा।